हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अचीवमेंट पर मैं करुणा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी कला पर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बहुत जल्दी ही बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल में कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन 1170 ईस्वी, दूसरा 1790, तीसरा 1780 और चौथा है 1800 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1790 ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, चंबा कलम का विकास चंबा के किस राजा के काल में हुआ? पहला ऑप्शन है आपका शाहिल वर्मन, दूसरा राज सिंह, तीसरा राम सिंह और चौथा मेरु वर्मन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी राज सिंह। क्वेश्चन तीन, चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था? पहला ऑप्शन है संजू, दूसरा भोलाराम, तीसरा गोलू और चौथा निक्का। तो इसका आंसर है डी निक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चित्रकार नैन सुख किस शैली से संबंधित थे? पहला ऑप्शन पहाड़ी, दूसरा कंपनी, तीसरा मुगल और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहाड़ी। और मैं आपको बता दूं कि नैन सुख पहाड़ी शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कला के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान कलम चित्रकला का रहा? कलम के आगे डैश है दोस्तों, उसके आगे शैली ऐड हो जाएगी। जैसे पहला ऑप्शन है चंबा, तो चंबा कलम। सेकंड ऑप्शन है नूरपुर, तीसरा गुलेर और चौथा बिलासपुर। तो इसका आंसर होगा सी गुलेर कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17वीं सदी में पंडित शिव किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन ए मंडी, बी चंबा, सी गुलेर और डी बिलासपुर। इसका आंसर होगा गुलेर। पंडित शिव का संबंध गुलेर शैली से था। ये वही गुलेर शैली है जिसके चित्रकारों ने बाद में कांगड़ा कलम को शुरू किया। कांगड़ा संपूर्ण पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार फाटू और पद्मा, जिसको ब्रैकेट में पुरख लिखा हुआ है, किस राजदरबार से संबंधित था? दोस्तों फाटू से मतलब है फत्तू और पद्मा और पुरख से मतलब है पुरखू। आप इस तरह के शब्द देखकर कंफ्यूज ना हो, तो फत्तू और पुरखू का संबंध किस राजदरबार से था? पहला चंबा, दूसरा अर्की, तीसरा कांगड़ा और चौथा बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर का कौन सा राजा कला विशेषकार चित्रकार का बड़ा संरक्षक था? कला विशेषकार से यहाँ पे मतलब है कला संज्ञानी, मतलब जो कला को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? गुलेर कलम में। तो पहला ऑप्शन है गोवर्धन चंद, दूसरा रूपचंद, तीसरा रामचंद और चौथा कर्णचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवर्धन चंद। गुलेर और गोवर्धन, आप इनके स्टार्टिंग शब्द से याद कर लें कि गोवर्धन चंद फेमस थे किस कारण? गुलेर शैली को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा चित्र निर्माण में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? पहला मुल्तानी मिट्टी, दूसरा गेरू, तीसरा हरी मिर्च, हीर मिर्च मतलब हरी मिर्च और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांगड़ा शैली के एक चित्र में श्री कृष्ण को कौन से पर्वत उठाए हुए चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है सुमेरु पर्वत, दूसरा गोवर्धन, तीसरा हिमालय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम कृष्ण को गोवर्धनधारी कृष्ण कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में रुमाल कला प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन कुल्लू, दूसरा चंबा, तीसरा हमीरपुर और चौथा किन्नर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबा। चंबा के रुमाल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्र की चंबा शैली किसके काल में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची थी?
पहला राजा भूरी सिंह, दूसरा राजा उम्मेद सिंह, तीसरा राजा भीम सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा उम्मेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम शैली को 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु के चित्र नहीं हैं? ऑप्शन ए जयदेव के गीत गोविंद, ऑप्शन बी बिहारी की सतसई के, ऑप्शन सी केशव दास की रसिक प्रिया और चौथा जायसी की पद्मावत। तो मैं आपको बता दूं, गीत गोविंद जयदेव पर चित्रण हुआ है, बिहारी की सतसई पे भी हुआ है और केशव की रसिक प्रिया पे भी नहीं, जायसी की पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, 19वीं शताब्दी में राजा गोपाल सिंह द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंस को निम्नलिखित में से कौन सी कला का सबसे सुंदर नमूना भेंट किया गया था जो इस समय लंदन के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय में है? पहला कांगड़ा पेंटिंग, दूसरा कुल्लू शाल, तीसरा चंबा रुमाल, चौथा किन्नौरी पट्टी ट्वीड। तो इसका सही आंसर है सी चंबा रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 चित्रकला शैली संरक्षक एंड सूची 2 पहला ऑप्शन है बसोली और ऑप्शन 1 है उदय, दूसरा कांगड़ा रामकृष्ण पाल, बी ऑप्शन कुछ नहीं है, तीसरा गोवर्धन चंद, सी और चंबा मेहर चंद। अच्छा ठीक समझ गए। देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बसोली यानी कि उदय सिंह, कांगड़ा यानी कि राम कृपाल पाल, अर्को यानी गोवर्धन चंद और चंबा यानी राणा मेहर चंद। तो यहाँ पर इसका मिलान किया हुआ है ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम का सबसे अधिक विकास किस राजा के काल में हुआ था? दोस्तों पहला ऑप्शन है भूमिचंद, दूसरा संसारचंद, तीसरा हमीरचंद और चौथा केहरीचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसारचंद। फ्रेंड्स पहाड़ी कलम पे आज जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी वो इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।